एक प्रेस से पॉलिटिशियन बनी उर्मिला मातोंडकर ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की वजह से हो रही परेशानी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि प्रदेश में इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं बंद होने के चलते पिछले 22 दिनों से उन्हें अपने ससुराल वालों की खबर नहीं मिल पा रही है। दरअसल एक ट्रेस के हस्बैंड मोहसिन अख्तर मीर कश्मीर बेस्ड मॉडल और बिजनेसमैन हैं, जो मुंबई में रहते हैं, जबकि मीर के पेरेंट्स जम्मू कश्मीर में ही रहते हैं। आर्टिकल 370 हटाने का तरीका अमानवीय, उर्मिला ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा, सवाल आर्टिकल 370 हटाए जाने पर नहीं है, लेकिन इसे अमानवीय तरीके से हटाया गया। एक ट्रेस ने यह भी कहा कि धारा के हटाए जाने के बाद से जम्मू और कश्मीर में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हुआ है, इसके चलते कई लोगों का संपर्क अपने घर वालों से नहीं हो पा रहा है। एक ट्रेस का दावा, बीमार रहते हैं सास ससुर। उर्मिला ने अपने बयान में यह दावा भी किया है कि उनके सास ससुर बीमार रहते हैं। बकौल एक ट्रेस, सास ससुर दोनों ही डायबिटिक हैं, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत भी है। आज 22वां दिन है जब न तो मेरी और न ही मेरे हस्बैंड के उनसे कोई बात हो पाई है। उर्मिला ने 2016 में मोहसिन अख्तर मीर से शादी की थी। एक ट्रेस ने इसी साल हुए आम चुनाव कांग्रेस के टिकट पर मुंबई नॉर्थ से चुनाव लड़ा था, जिन्हें भाजपा के गोपाल शेट्टी ने 4,65,247 वोटों के अंतर से हराया था। 5 अगस्त को हटाया गया आर्टिकल 370। बीते 5 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का ऐलान किया था। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करते हुए दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था।